हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम इस चैनल पर ये पहली ही वीडियो डाल रहे हैं जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है। आप मेरे हाथ में देख चुके होंगे एक लेदर का बॉल है और आज हम इस बॉल को काट करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या निकलता है और हम आपको भी दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या निकला है। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में। हमने इसमें कोई कंपनी मेंशन नहीं करी है जिससे हमारे चैनल पर कोई स्ट्राइक ना आए, इसलिए हमने इसकी कंपनी वगैरह सब जो था इसके ऊपर हमने वो मिटा दिया, क्योंकि कंपनी की स्ट्राइक आ जाती है, चैनल ब्लॉक हो जाता है, कई बहुत सारे रीजंस हैं, इसलिए हमने इसमें कंपनी मेंशन नहीं करी है। तो आप देखिए कि इसके अंदर क्या निकलेगा और किस तरीके से हम इसे काट करके आपको दिखाएंगे। आगे हमारे साथ वीडियो में बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए हमारे साथ। तो मैंने ये एक लेदर की बॉल ली है और ये ब्लेड है आरिगा मेरे पास। अब मैंने ये ब्लेड उठाया और उसे काटने लगा। काटते काटते मुझे याद आया कि मुझे इस तरफ से नहीं काटनी है और फिर भी मैंने ये देखिए धागे की ओर से नहीं काटा और हमने बीच से काटा इसे। और काटते काटते मुझे बड़ी मुशक्कत भी करनी पड़ी, उससे मेरे हाथ में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और फिर भी मैंने आपको दिखाने के लिए जल्दी जल्दी काटा। और ये देखिए बुरोदा नीचे गिर गया है, तो ये मैं जल्दी जल्दी इसे काट रहा हूँ और मेरे हाथ में भी प्रॉब्लम हो रही थी इसे काटते हुए। तो कृपया आप इसे घर में ट्राई ना करें। ये देखिए थोड़ा कट चुका है और थोड़ा मैं इसे साथ ही साथ जल्दी जल्दी आपको काट करके दिखा रहा हूँ। ये वाइट वाइट जो गिर रहा है, इसके अंदर कुछ धागा टाइप कुछ था इसलिए ये गिर रहा था। जहाँ से ये सिली हुई है वहाँ से हमने काटना शुरू किया है इसे। तो दोस्तों ये आपको अंदर इसके क्या है क्या नहीं है ये तो मुझे भी नहीं पता है और आपको भी शायद से नहीं पता होगा। देखिए कितना सारा बुरोदा इकट्ठा हो गया और मैं इसे जल्दी जल्दी काट करके दिखाना चाह रहा था पर मेरे हाथ में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ा हार्डनेस ये बोल थी। ये देखिए मैं इसे इधर से भी काट सकता था परंतु मैंने इधर से काटना शुरू किया इसे और मैं इसे काटते काटते इतना थक गया था कि मेरे हाथ में जोर भी नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ करके इसे कपड़ा ला करके इसे स्टार्ट किया दोबारा से, क्योंकि मेरे हाथ भी कट चुका था कई जगह से। तो इसलिए मैंने इसे काटना दोबारा से शुरू करा कपड़े के साथ में। कपड़े के साथ में काम नहीं चल रहा था इसलिए फिर दोबारा से मैंने हाथ से काटना शुरू करा। फिर मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए मैंने कपड़ा ले लिया और आप देखिए ये थोड़ा सा रह रहा है, बिल्कुल हल्का सा रह रहा है कटने के लायक और ये खुल चुकी थी, परंतु मैंने सोचा कि इसे दोबारा से पूरा ही काट करके आपको दिखाया जाए कि इसके अंदर है क्या। और ये थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल जरा सा रह रहा है, आप देख सकते हैं। ये मैंने कपड़े से काटना शुरू करा कि जल्दी कट जाए और आपको दिखा सकूं कि इसके अंदर क्या है। तो ये कट चुका है, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये लकड़ी का कुछ बुरोदा टाइप है, मुझे तो पता नहीं क्या है। ये देख सकते हैं आप लकड़ी का कुछ भर रखा है, ये चमड़े की इन्होंने ट्रिप्स लगा रखी है और ये मैं निकाल रहा हूँ बड़ी मुशक्कत के साथ। ये निकल चुकी है और इसके अंदर एक और चमड़े की ये है, ये सिली हुई है, ये निकल नहीं सकती। तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए ये कुछ खास नहीं है बॉल और ये टूट भी नहीं रहा है, तो हम इसे आपको काट करके दिखाएंगे। मैं आरे का ब्लेड उठाऊंगा और इसे काट करके आपको दिखाऊंगा कि है क्या ये पास से बिल्कुल। तो ये मैंने तोड़ दिया और ये इसके अंदर कुछ खास नहीं था, ये ऐसा लग रहा था जैसे क्या बोलते हैं उसे, लकड़ी का कुछ बुरोदा है उसमें कुछ मिला रखा है। तो मैं इसे भी निकाल करके आपको दिखाऊंगा क्या खास इसके अंदर है। ज़्यादा कुछ खास इसके अंदर था नहीं और इसके अंदर भी सेम वही ट्रिप्स लगा रखी थी इन्होंने और वही इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, ये भी है, ये भी ऐसे ही लकड़ी का है, लकड़ी का बुरोदा कोई फेब्रिकोल टाइप करके इन्होंने लगा रखा है अंदर। ज़्यादा खास बॉल नहीं थी ये, ज़्यादा महंगी भी नहीं थी, ये 250 रुपये की ओनली बॉल थी, तो इसलिए इसके अंदर ऐसे फालतू की चीज़ें इन्होंने भरी हुई थी। आप देख सकते हैं इसे हमने ऐसी रख दिया और देख सकते हैं कि इसके अंदर लकड़ी का कुछ है ये। और मुझे भी इसके साथ बहुत सारी मुशक्कतें करनी पड़ी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं ऐसी। बाय बाय, गुड नाइट।